तो भाई बेताब वैली पहुंच तो गए हैं, पर जाम दिखाऊं आपको। जाम देखो कितना लगा, और नीचे देखो ये गाड़ियां खड़ी। तो भाई कश्मीर दो प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का, तो यहाँ भीड़ देख लो, भीड़ फुल है। फैमिली के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। इताब वैली कश्मीर की एक सुंदर वैली है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है। यहाँ पर आने के लिए आपको श्रीनगर से पहलगाम आना है, जिसका किराया रहने वाला है 2500 रुपये टैक्सी से। और पहलगाम से आपको बेताब वैली के लिए एक और टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जो कि आपको पहलगाम से ही मिलेगी, जिसका रेंट रहने वाला है 2000 से 2500 रुपये। तो आप अपने हिसाब से पर्सनल टैक्सी बुक करके भी यहाँ पर आ सकते हो। तो भाई बेताब वैली पहुँच तो गए हैं, पर जाम दिखाऊँ आपको। जाम देखो कितना लगा, और नीचे देखो ये गाड़ियाँ खड़ी। तो भाई कश्मीर में भी अभी ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे, बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। चलते हैं नीचे, थोड़ा सा चलना पड़ेगा नीचे, जाके आपको यहाँ का सारा बताता हूँ मैं। भाई यहाँ पे ट्रैफिक देखो किस हिसाब से है, पर हमें उधर जाना है, वहाँ पे है बेताब वैली आगे। आ जा। वो देखो वो लगा गेट, यहाँ से टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है। और ये पार्किंग देखो भाई, देखते हैं यहाँ पे कितने टिकट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट दे रखी है। भैया कितने का टिकट? 100 रुपये। दो आ जाओ। तो भाई अभी एंट्री कर लिया बेताब वैली के अंदर, और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, इसका नाम बेताब वैली इसलिए पड़ा था क्योंकि बेताब मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, तब से इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। जिसको नहीं पता बेताब मूवी कौन सी थी, वो जाके सर्च कर लेना बेताब मूवी पर, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और जब आप पहलगाम आओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मिनी स्विट्ज़रलैंड, आरू वैली, और यहाँ बेताब वैली, और भी दो तीन जगहें हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप एक ही दिन के लिए आ रहे हो तो आप मैक्सिमम एक या दो जगह घूम सकते हो। अगर आप पहलगाम आ रहे हो तो आपको दो दिन का स्टे तो करना ही चाहिए, ताकि आप सारे साइट्स इनको देख सको यहाँ पर। भाई सच में मतलब बेताब वैली में फर्स्ट टाइम आया, और सच में बहुत अच्छी है। दिखाओ, देखो यहाँ का व्यू, मतलब खूबसूरती की देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, और वही यहाँ पर भरपूर है। निराश नहीं होगे अगर आप लोग बेताब वैली आओगे तो, बहुत ही अच्छी जगह है। बेताब मूवी का ना सीन देखेंगे हम लोग, फिर वही जैसा देखा वो कहे बेताब मूवी के सीन्स देख के वैसे फोटो खींचेंगे हम भी। हम भी अभी YouTube पे सर्च करते हैं, हम भी खींचेंगे भी। तो भाई यहाँ पर इतने सारे मतलब सेल्फी पॉइंट और वीडियो पॉइंट हैं, जहाँ पर आप पूरा दिन भी लगे रहो ना यहाँ वीडियो बनाने के लिए और फोटोज खींचने के लिए, वो भी ख़त्म नहीं होंगे। इधर भी एक छोटी सी हट बनी हुई है, इसमें भी लोग जा रहे हैं शूट कर रहे हैं। यार बहुत ही खूबसूरत है बस ये तो। तो गाइस आपको ट्री हाउस दिखाने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में, आ जाओ जाओ उधर।
तो ये अलग अलग वैलीज होती हैं, जो इनका नाम वैली इसलिए पड़ता है क्योंकि ये बता रहे थे कि जो चारों तरफ से तो माउंटेन से घिरी हो और बीच में एक मैदान हो, तो ऐसी जगहों को वैली नाम दिया जाता है। तो आज हम बेताब वैली में फिलहाल, एक और सेल्फी पॉइंट जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, और कोई भी यहाँ पे सेल्फी ले रहा है, दिखा देते हैं आपको भी बेताब वैली। ये देखो, तो भाई मेरे हाथ में भी मेरे शूज़ हैं, और ये शूज़ क्यों उतारे थे मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस पानी में जाने के लिए जैसे लोग जा रहे हैं, और आप मानोगे नहीं इतना ठंडा पानी था ना, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकता। और ये पता नहीं कैसे खड़े, मैं जस्ट पाँच से दस सेकंड के लिए इस पानी में गया था और मेरे पैर सुन्न हो गए बिल्कुल, और मैं जल्दी से बस वीडियो बना के बाहर निकल आया हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ आते हो तो आप झूले भी ले सकते हो। ये सामने झूले लगे हुए हैं, तो भी गाइस बेताब वैली से निकलता हूँ मैं और चलते हैं श्रीनगर में वापस। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो आप पहलगाम को कंसीडर कर सकते हो, और पहलगाम में आकर के आप इस सुंदर सी वैली बेताब वैली और आरू वैली को ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो तो। मिनी स्विट्ज़रलैंड को मैं इसलिए आपको कंसीडर नहीं करने को बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको घोड़ा वगैरह करना पड़ेगा, और उनके रेट बहुत ज़्यादा है, 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे चार्ज करते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने 1,000 में वो बार्गेनिंग करके करा था, पर इतना सेटिस्फाइंग नहीं था वो। पर यहाँ पे आके आपको अच्छा लगेगा, वर्थ इट लगेगा। अच्छा, पहलगाम से आप टैक्सी से भी आ सकते हो, 2,500 या 3,000 रुपये लेंगे टैक्सी वाले वो, जिसमें आपको आरू वैली और बेताब वैली दोनों घुमा के वापस पहलगाम में छोड़ देंगे। पर हमको लकीली आज ऑटो मिल गया था आपके सामने, आपको पता ही है, और हमने 1200 में दोनों जगहों को कवर कर लिया। तो आप लोग भी देख लेना, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप भी कुछ ऐसे ऑटो वगैरह देख लेना जो कि यहाँ पे आपको घुमा दे लोकल। तो चलते हैं अभी श्रीनगर, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। देखो कितनी समझदार बकरी है। तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं बस, बट अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो यहाँ भीड़ देख लो, भीड़ फुल है, फैमिली के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखकर सभी चीज़ें बुक करके तभी आना आप लोग। तो बैचलर्स तो जैसे मर्जी आ जा सकते हैं, फैमिली वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये है भाई पहलगाम की मार्केट, वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं। ये पूरी अखरोट की खेती है। अच्छा, अखरोट लगे हैं कि नहीं इस पे? अखरोट लगे हैं इस पे।